नमस्कार दोस्तों, मैं निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं कि ये जो सेबी का नया रूल आया है, मार्जिन का, जो मार्जिन से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें, तो ये मार्जिन से रिलेटेड चीज़ें हैं क्या, आइए इसको समझ लेते हैं। एक बहुत दिनों से दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि 100% अब आपके पास होना चाहिए। अब आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि 100% आपके पास होना चाहिए, 100% से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ इस तरीके की बातें सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या इसका ये मतलब है कि लेट से कोई अगर शेयर 100 रुपीज का है, तो क्या हमारे अकाउंट में उसको खरीदने के लिए 100 रुपीज ही होने चाहिए? क्या क्या इस बात का ये मतलब है? क्या क्या आपकी पूरी की पूरी लिवरेज, क्या आपका पूरा का पूरा मार्जिन जीरो हो जाएगा? क्या क्या इस बात का ये मतलब है? क्या, क्योंकि बहुत से रिटेल ट्रेडर ये समझ रहे हैं कि अगर 100 रुपए का शेयर है, तो अभी तक लेट से आप उसको 10 रुपए में भी परचेस कर लेते थे इंट्राडे के अंदर, सो क्या अब आप उसको 100 रुपए में ही परचेस कर पाएंगे क्या उस स्टॉक को? ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में है। आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि 100 रुपए वाला शेयर अब आप 100 में ही खरीद सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि ये 100% वाली बात, तो भाई 100% का मतलब तो यही होता है कि अगर 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए में ही खरीदा जाए, इस बात को 100% कहते हैं। फिर ग्लिच कहाँ है? अगर ऐसा नहीं है, अभी भी आप 100 रुपए वाले शेयर को 100 में नहीं बल्कि 20-25 रुपए में खरीद सकते हैं, फिर ग्लिच कहाँ है? व्हाट इज द ग्लिच? ग्लिच यहाँ है, क्या होता है कि जो भी कोई एक शेयर होता है, कोई भी शेयर है दुनिया में, कोई सा भी शेयर है, अगर मान लिया जाए वो शेयर 100 रुपए का है या 200 रुपए का है या 300 रुपए का है या 400 रुपए का है, जितने भी रुपए का कोई शेयर है, ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कितने रुपए का भी शेयर है मान लिया जाए, उसका एक पीक मार्जिन सेबी ने डिसाइड करके रखा हुआ है। पीक मार्जिन की एक पीक मार्जिन की वैल्यू की उसके रिस्क के हिसाब से उसकी वैल्यू निकालते हैं। सेबी ने एक रूल बना रखा है कि एक हम पीक मार्जिन हर एक शेयर का निकालेंगे। वो पीक मार्जिन जो शेयर का कैलकुलेट करता है सेबी, उसकी रेंज है 20-30% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर, है ना। ये पीक मार्जिन सेबी ने निकाल के रखा हुआ है हर एक शेयर का, ये उसकी वेबसाइट पर मिलता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। 20-30% पीक मार्जिन होता है, ये रेंज है 20% ऑलमोस्ट होता है हर एक किसी भी शेयर का, और 30% तक ये वेरी करता है नॉर्मली, है ना। सो व्हाट डज इट मीन? तो आज से एक साल पहले जब ये सेबी का रूल नहीं आया था, सेबी का रूल 3-3 महीने के स्टेप में आ रहा है। सबसे पहले सेबी का रूल आया कि 25% मार्जिन अब रह गया है, फिर आया कि अब 50% मार्जिन रह गया है, फिर आया कि अब 75% मार्जिन रह गया है, और अब 1 सितंबर से आया कि अब आपको 100% का 100% मार्जिन देना होगा। व्हाट डज इट मीन 100% मार्जिन देना होगा? 100% पूरा का पूरा पीक मार्जिन आपको देना होगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहले क्या होता था, जब तक सेबी का कोई रूल नहीं था, तो क्या होता था, लेट से आपने कोई 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, उसका पीक मार्जिन होता था, लेट से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 20% उसका पीक मार्जिन होता था 20%। इसका क्या मतलब है कि ब्रोकर क्या करते थे, पहले सेबी ने ब्रोकर के हाथ में रखा हुआ था कि ठीक है, आप अपने हिसाब से जो मार्जिन आप देना चाहें आप दे सकते हैं, आप जो लिवरेज देना चाहें आप इंट्राडे ट्रेडर को दे सकते हैं। तो वो क्या करते थे, कुछ ब्रोकर क्या करते थे, 20% का 25% आपसे लेते थे, सिर्फ और सिर्फ 20% का 25%। कुछ ब्रोकर 20% का 20%, कुछ ब्रोकर 20% का 10%, इतना ही मार्जिन आपसे लेते थे। अलग अलग ब्रोकर अलग अलग मार्जिन आपसे लिया करते थे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पीक मार्जिन का 20% लिया करते थे, पीक मार्जिन का 10% लिया करते थे एक शेयर को खरीदने के लिए। अब इस कैलकुलेशन को समझना, 100 रुपीज का शेयर है, 20% उसका पीक मार्जिन है, लेकिन ब्रोकर आपसे 20% का भी 10% ही लेता था। अब 20% का 10% कितना होता है, तो 20% का 10% होता है 2 रुपए। तो मतलब वो 2 रुपए ही लेकर आपके अकाउंट में अगर 2 रुपए ही होते थे, तो भी आप 100 रुपीज वाला
शेयर खरीद लेते थे, मतलब वो आपको 50 टाइम लीवरेज देता था, 50 टाइम आपको मार्जिन देता था। गेटिंग माई पॉइंट? जो पीक मार्जिन सेबी ने डिसाइड करा हुआ था कि ये होना चाहिए, ब्रोकर अपना रिस्क उठाता था, ब्रोकर कहता था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने कस्टमर को मार्जिन दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करे ताकि ब्रोकर की अच्छी से अच्छी कमाई हो जाए, तो वो क्या करता था, 20% जो सेबी ने डिसाइड किया हुआ था उसका कुल 10%, उसका कुल 10% ही आपसे लेता था, मतलब 20% का 10% 2 रुपए ही लेता था 100 रुपए वाले शेयर का, है ना। ऐसे ही अगर 200 रुपए वाला शेयर है तो उसके 4 रुपए ही लेता था, मतलब कुल मिला के वो आपको 50x का मार्जिन देता था। ओके, अब क्या हुआ, फिर सेबी ने एक रूल लेकर आया कि नहीं, ब्रोकरेज 10% नहीं, मिनिमम 25% लेगा, मिनिमम 25% पीक मार्जिन का डेफिनेटली उसको लेना ही होगा, किसी भी कस्टमर के अकाउंट में पीक मार्जिन का 25% होना ही चाहिए इंट्राडे के अंदर अगर उसे ट्रेड करना है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 100 रुपीज वाला अगर कोई शेयर है जिसका 20% पीक मार्जिन लेट से है, उसका 25%, सो 20 का 25% होता है 1/4, मतलब 5 रुपीज, मतलब अब अगर आप 100 रुपए वाला कोई एक शेयर खरीदना चाहते हैं इंट्राडे के अंदर, डेफिनेटली आपके अकाउंट में 5 रुपए होने ही चाहिए, मतलब अब आपको जो मार्जिन मिल गया वो 20x का मार्जिन मिल गया, मतलब 5 रुपए में आप 100 रुपए का चीज खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 50 रुपए हैं, 50 × 20, मतलब आप 50 रुपए में 1000 रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये रूल चेंज हो गया और इस रूल के साथ सेबी ने यह भी कह दिया कि अब मैं हर 3 महीने बाद, क्योंकि मैं एकदम से चेंज नहीं करना चाहती रूल, 3 महीने बाद हम रूल चेंज करेंगे और 25% उसके 3 महीने बाद, 50% उसके 3 महीने बाद, 75% उसके 3 महीने बाद, 100% कर देंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग, 3 महीने बाद वो 50% हो गया, उसका क्या मीनिंग हो गया कि अगर आप कोई 100 रुपए वाला स्टॉक खरीदना चाहते हैं जिसका लेट से पीक मार्जिन डिसाइड कर रखा है सेबी ने 20%, सो अब ब्रोकर कंपनी 20% पर 50% आपको मार्जिन दे रही थी कि ठीक है 20% चाहिए शेयर के प्राइस का 20%, हम इस लिवरेज पे, इस पीक मार्जिन के ऊपर अब क्या होगा कि सेबी के नए रूल के हिसाब से 3 महीने बाद वो 50% रह गया, मतलब 20 का 50% जो होता है वो होता है 10 रुपए, मतलब अब आपको 10 रुपए जरूर होने चाहिए 100 रुपीज का एक शेयर खरीदने के लिए, मतलब अब आपका मार्जिन, आप देख रहे हैं कितनी तेजी से घट गया, अब वो मार्जिन 10x रह गया। सो जो पहले कंपनियां क्या कर देती थी, अपने हिसाब से 50x रख करती थी, वो सबसे पहले सेबी ने उसके ऊपर ब्रेक लगा के 25%, मतलब सेबी ने उसको 20x में, 50x को 20x में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 100 रुपए वाला शेयर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 5 रुपए में होने ही चाहिए। ओके, चलिए और आगे चलते हैं, 50% करने के बाद 10x का मार्जिन रह गया, फिर सेबी ने 3 महीने बाद वो कर दिया कि अगर आप 100 रुपए वाला जिसका 20% पीक मार्जिन है, अब आपको मिनिमम 75% आपके अकाउंट में इसका होना ही चाहिए, इससे ज्यादा लेवरेज ब्रोकरेज दे नहीं सकते, कोई भी ब्रोकर कोई दे नहीं सकता 75%, तो डेफिनेटली उसने पीक मार्जिन का आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। सो 20 का 75% जो निकल कर आता है वो आता है 150/100, मतलब 15 रुपए, मतलब अब अगर आप 100 रुपए वाला कोई शेयर खरीद रहे हो तो 75% 20 का होता है 15 रुपए, सो दैट मीन्स नाउ अभी तक जो चल रहा था ये 75% वाली स्लैब अब चल रही थी, इसका मतलब ये था कि अगर आप कोई 100 रुपए वाला शेयर खरीदना चाहते हैं तो अब आपके अकाउंट में 15 रुपए होने चाहिए, मतलब अभी भी आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 times जो है लीवरेज मिल रही थी, आप अभी भी 6 से 7 गुना अपने पैसे से 6 से 7 गुना अधिक की ट्रेडिंग कर सकते थे। अब जो मार्जिन रूल आ गया है सेबी का, जो कल से लगने वाला है, 1 सितंबर से जो लगने वाला है, वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि अगर आप अब आपको 100%
पीक मार्जिन देना होगा 100%। अब उसके ऊपर आपको कोई भी लिवरेज नहीं मिल रही, ऑलरेडी सेबी ने 5 times लिवरेज आपको देके रखी हुई है। समझ रहे हैं आप इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यही तो मतलब है, अगर पीक मार्जिन सेबी ने डिसाइड करके रखा हुआ है 20-30, है ना, मोस्टली स्टॉक का 20-30 की रेंज में आ जाता है। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब अभी ही है कि अभी भी आपको 4-5 times लिवरेज सेबी ने ऑलरेडी देके रखी हुई है कि मैं खुद ही आपको 4-5 times के दे रही हूं लिवरेज। सो ब्रोकर एक्स्ट्रा नहीं दे पा रहे हैं, ये है, समझ रहे हैं? ग्लिच कहाँ है? ग्लिच ये है। सो अगर 1 September से 100% पीक मार्जिन रूल आ रहा है, मतलब अब जो अभी तक आप 15 rupees में 100 rupees वाला शेयर खरीद रहे थे, अब आपके पास 20 rupees होने चाहिए 100 rupees वाला स्टॉक खरीदने के लिए। मतलब अब आप 5x ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर, है ना। ये हो गई कैश मार्केट के अंदर, जहां पे आप शेयर को खरीदना या बेचना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, उसमें ये आपके मार्जिन रूल्स लग गए। ओके, क्या फर्क पड़ा आप सोचिएगा, आप सोचने के बाद अपने आप डिसीजन लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे में शेयर में काम करते थे, कितना फर्क आप देख रहे हैं, कितना फर्क सेबी के इस रूल से इंट्राडे की मार्केट के अंदर पड़ रहा है, ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। पहले 15 rupees देने पड़ते थे 100 rupees वाले शेयर पे, अब 20 rupees देने पड़ेंगे 100 rupees वाले शेयर पे, या जो भी पीक मार्जिन होगा 24% होगा तो 24 rupees देने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर। ओके, ये निकालते कैसे हैं, आइए मैं ये और दिखा देता हूं आपको। So, ये जैसे मान लीजिए ये NSE की वेबसाइट है, NSE की वेबसाइट पे आप जाएंगे, NSE की वेबसाइट पे यहां पे कंपनी का नाम सर्च करेंगे, लेट से आपने SBI डाला, जैसे आप यहां पे SBI डालेंगे, आप सबसे नीचे जब स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाएंगे तो यहां पे वैल्यू एट रिस्क होता है, VAR कहते हैं इसको, VAR इन परसेंट में होता है ना, ये अपडेटेड इंट्राडे का है, ये चेंज होता रहता है, ये डेली अपडेट होता है। तो ये निकल के आता है एप्लीकेबल मार्जिन रेट 24% ऑफ योर स्टॉक, जो भी स्टॉक है उसका 24% है ना। सो 24% मतलब 24, जैसे अगर मान लीजिए 100 rupees का स्टॉक है तो 24.05 rupees आपके पास होना ही चाहिए अगर आप इस स्टॉक को खरीद रहे हो। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लेवरेज अभी तक होती थी वो लेवरेज अब खत्म हो गई, वो मार्जिन अब खत्म हो गया, अब आपको ये मिनिमम देना ही पड़ेगा। मतलब अब इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप 4x का आपको अभी भी लेवरेज मार्जिन मिलेगा। ओके, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा, है ना, क्या रिटेल ट्रेडर को डेफिनेटली इससे कोई फर्क पड़ेगा? अभी मैं बताता हूँ रिटेल ट्रेडर को कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा, वो भी मैं बताता हूँ। क्या इस रूल से इंट्राडे ट्रेडिंग, जो आपकी शेयर स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स लेते थे आप, स्टॉक्स के अंदर जो इंट्राडे आप करते थे, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? सो आंसर है बहुत ही माइन्यूट फर्क पड़ेगा, बहुत ही कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप पहले 20 rupees में लेट से एक 100 rupees वाला स्टॉक खरीदते थे, उससे पहले 18 rupees में अगर खरीदते थे, अब आप 24 rupees में खरीद लेंगे, कोई खास फर्क आपके लिए नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। इससे डिफरेंस होगा किसको क्रिएट, इससे डिफरेंस क्रिएट होगा ब्रोकर कंपनी को बड़ा तगड़ा, क्योंकि ब्रोकर कंपनी क्या चाहती है, ब्रोकर कंपनी की 24 घंटे ये इच्छा रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेड आपको करवाए, आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक लें, आप ज्यादा से ज्यादा, तो वो एटलीस्ट वो मजा ब्रोकरेज से वो मजा ले ले, है ना। सो जब आप कम ट्रेड कर पाओगे उतने पैसे के अंदर, तो वो ब्रोकरेज से उतना मजा नहीं ले पाएगा। यहां पर एक तो ब्रोकिंग कंपनीज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इस रूल से। ओके, इंट्राडे अगर आप स्टॉक में करते हैं तो कम फर्क पड़ने वाला है आपको। अब आपको कहां फर्क पड़ने वाला है वो समझ लीजिए। मान लीजिए आप काम करते हैं फ्यूचर सेक्शन में, फ्यूचर में, है ना, आप मान लीजिए काम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और ऑप्शन में भी सेलिंग, ऑप्शन में बाइंग नहीं, ऑप्शन में आप करते हैं सेलिंग, और फ्यूचर में अगर आप काम करते हैं, यहां आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे अगर मान लीजिए आप फ्यूचर बाई करते हैं या आप फ्यूचर को सेल करते हैं, अभी आपको पता होगा लगभग 1.6 लाख रुपीस आपको चाहिए होते हैं, लगभग ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, 1.5-2 lakh रुपए फ्यूचर को शॉर्ट करने के लिए या फ्यूचर को बाय करने के लिए, ऑप्शन को सेल करने के लिए लगभग 1.5-2 lakh रुपए का मार्जिन आपको चाहिए होता है ना। अगर जब 1.5-2 lakh रुपए का मार्जिन चाहिए तो पहले ये था कि 25% इसका हो तो भी आप ट्रेड कर सकते थे। मतलब अगर आपके पास 40,000 rupees होते तो भी आप 1,60,000 वाला ऑप्शन को सेल कर सकते थे,
फिर ये रूल बढ़कर हो गया 50%। मतलब आप 75,000 रुपीज अगर रखते थे या 80,000 रुपीज रखते थे तो आप 1.5 या 1.6 लाख वाले ऑप्शंस को सेल कर सकते थे, है ना। लेकिन फिर ये रूल बढ़कर हो गया 75%। मतलब अब जो आप ऑलरेडी ऑलरेडी जो आप पिछले 3 महीने से ट्रेडिंग कर रहे थे उसमें ऑलरेडी आपको एक फ्यूचर को या एक ऑप्शन को सेल करने के लिए अराउंड 1.2 लाख की अब जरूरत पड़ने लग गई थी। अगर आप हेजिंग नहीं करते हैं, अगर आप नेकेड पोजिशन बना के चलते हैं तो लगभग लगभग आपको 1.25 लाख के आसपास अभी भी आपको देने पड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए में आप किसी ऑप्शन को सेल कर पा रहे थे अभी, या 15,000 रुपए में किसी ऑप्शन को सेल कर पा रहे थे। लेकिन अब से आपको जो भी ऑप्शन सेलिंग का जो टोटल उसका मार्जिन निकल कर आता है, आप मार्जिन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मार्जिन कैलकुलेटर मिलते हैं गूगल के ऊपर, आप उस पर देख सकते हैं। तो वो 1.5 या 1.6 लाख जितना भी निकल कर आ रहा है अब आपको उतना का उतना मार्जिन देना पड़ेगा। सो डेफिनेटली ये जो लोग जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं, डेफिनेटली उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं, सो आपके लिए अब मार्जिन रेट्स थोड़े से बढ़ गए हैं। पहले 1.2 लाख पे अगर आप कर रहे थे तो अब आप 1.6 लाख के ऊपर कर रहे हैं। मतलब पहले आप 75% मार्जिन के ऊपर काम कर रहे थे, अब आप 100% आपको देना पड़ेगा मार्जिन। सो डेफिनेटली सेलर्स, ऑप्शन सेलर्स को फर्क पड़ रहा है जो ऑप्शन सेल करते हैं। और अगर ऑप्शन सेलर को फर्क पड़ रहा है तो ऑप्शन बायर को भी अपने आप ही फर्क पड़ रहा है। कैसे? क्योंकि अगर ऑप्शन सेलर के पास उतना पैसा नहीं होगा और मार्केट के अंदर वो सेल नहीं कर पाएगा, सो दिक्कत ये हो जाएगी कि जब सेलर कम हो जाएंगे मार्केट के अंदर सो बायर ऑब्वियसली कम हो जाएंगे मार्केट के अंदर। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो सेलर हैं वो सेलर के पास ऑलरेडी करोड़ करोड़, दो दो करोड़, दस दस करोड़, पचास पचास करोड़, उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है। तो उनकी क्वांटिटी में अगर वो 1,000 क्वांटिटी को अगर वो सेल करते थे तो वो कल से 750 या 800 क्वांटिटी को सेल कर पाएंगे। सो 20% लगभग लगभग यहां पर लिक्विडिटी कम होने के चांसेस हैं इस ऑप्शन इस नए रूल के साथ, है ना, 20%। लेकिन क्योंकि ऑप्शन सेलर क्या करते थे, ऑप्शन सेलर ऑलरेडी वो अपनी पोजीशन को हेज करके ही ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए वो फिर से कोई ना कोई जुगाड़ निकाल रहे हैं और निकल रहे हैं जुगाड़ कि हेजिंग में क्या है, हेजिंग में स्टिल आपके पास उतना ज्यादा मार्जिन की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हेजिंग के टाइम पे आपको हाई रिस्क वाली जो भी आपकी ट्रेड है, हाई रिस्क वाली ट्रेड, उसको पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा कंपेयर टू लो रिस्क वाली से। सो ये कुछ पेनाल्टीज उसके अंदर इंक्रीज हुई हैं डेफिनेटली, बट वो बड़े लोगों का जो हेज कर करके अपनी पोजीशंस को ऑप्शन सेलिंग क्या करते थे उनको फर्क पड़ने वाला है। नाउ इट इज अप टू यू कि आपने इस चीज को कैसे देखना है, आपने इस चीज को नेगेटिव देखना है, आपने इस चीज को पॉजिटिव देखना है, कैसे देखना है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव क्या चीजें हैं? इसमें पॉजिटिव सिर्फ एक ही चीज है। पॉजिटिव अगर मैं इसमें कहूं तो पॉजिटिव इसमें एक ही चीज है। अब वो चीज आप कितना कितना मतलब आपके लिए वो कितना मैटर करती है वो देखना है। पॉजिटिव इसके अंदर एक ही चीज है कि मान लिया जाए एक 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 रिटेल ट्रेडर, लेट से एक रिटेल ट्रेडर मार्केट में आया है ना, अब उसको ट्रेडिंग करनी आती नहीं है लेट से, और मान लिया जाए वो 1,000 रुपए लेकर आया है, लेकिन पहले वो 1,000 रुपए से मान लिया जाए 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकता था, अब लेट से वो 1,000 रुपए से मतलब पहले 50 टाइम लेट से वो ट्रेडिंग कर सकता था, तो 5 लाख नहीं, हम 1,000 रुपए का 50 टाइम्स मतलब 50,000 रुपीज की ट्रेडिंग कर सकता था एक दिन के अंदर, अब वो लेट से उसका 5 गुना मतलब 5,000 रुपए की ट्रेडिंग कर सकता है। सो जो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग ट्रेडर हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, जो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं ट्रेडिंग के मार्ग में, उनके लिए तो ये थोड़ा सा झटका हो गया कि उनके लिए थोड़ा सा झटका हो गया कि वो 1,000 से 50,000 रुपए वाली ट्रेडिंग कर लेते थे और वो एजुकेटेड थे, वो जानते थे कि कैसे ऐसे लगाना है और मार्केट के अंदर पैसा कैसे कमाना है। सो जो लोग जानते थे कि मार्केट के अंदर पैसा कैसे कमाना है उनके लिए ये डेफिनेटली एक झटका है।
लेकिन जो लोग नहीं जानते, जो लोग बिल्कुल अभी मार्केट के अंदर नए हैं, उनको नहीं मालूम कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, यार मेरा तो लॉस हो रहा है, जो लोग ऑलरेडी लॉस पे लॉस खाए जा रहे थे, जो लोग मार्केट के अंदर इतने एजुकेटेड नहीं थे, एजुकेटेड इन द सेंस मार्केट के टर्म्स में एजुकेटेड जो इतने नहीं थे, जो लॉस पे लॉस खा रहे थे, उनके लिए एक राहत की बात है कि एटलीस्ट अब उनके लॉस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि वो 50,000 में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो 5,000 में ट्रेडिंग कर पाएंगे। सो जो लोग जो पैसा कमाना जानते थे उनके लिए डेफिनेटली झटका है, जो लोग पैसा कमाना नहीं जानते थे उनके लिए बल्कि एक राहत की सांस है कि उनको अब जबरदस्ती का उनको रिस्क में डाला जा रहा था, वो जबरदस्ती के रिस्क में नहीं पड़ेंगे, है ना। ओवरऑल सबसे ज्यादा इससे लॉस किसको है, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है, जो रिटेल ट्रेडर से भी ज्यादा अफेक्ट हुआ है, वो हुआ है जो ब्रोकर कंपनीज हैं, है ना, वो ब्रोकर सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट हुआ है ना, जो जितनी भी ब्रोकर फर्म्स हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर घट जाएंगी तो नंबर ऑफ ट्रेड जैसे ही घटेंगी सो डेफिनेटली ब्रोकर कंपनी को एक झटका सबसे ज्यादा मिलेगा। सो ये था ओवरऑल मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों बताइएगा कि कोई अगर आपका और डाउट इसके अंदर बचता है, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।